मार्केट में मामा अर्थ का बहुत ज्यादा हाइप है, तो इस वीडियो में मैंने एक तो पहली बार अपने चैनल पे मामा अर्थ को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा मैंने इस वीडियो में आपको दो दो रिव्यूज दिए हैं। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इफ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टा। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मामा अर्थ कोको फेस मास्क with cocoa and coffee. This mask is for skin awakening, so if you are having dull skin, if you are having tan on your skin, then this mask is for you. It's in 100 gram tub and this retails for 499 rupees. I have put all the purchase link in the description box. If you are interested, you can check them out. But before buying this product, watch this video completely. If I talk about its ingredient, so isme pehla ingredient hai coffee, which is known to tighten your pore. It also removes tan, pigmentation and gives you a clean, clear complexion. उसके अलावा इसमें है कोकोआ, which is again known to remove tan. It also enhances your complexion. And इसमें है ग्लिसरीन, which is known to hydrate and moisturize your skin. Using this mask is really, really easy. What you have to do is you just have to wash your face and then you have to scoop out some amount. Then you have to apply it on your face. You have to leave it for 15 and 20 minutes and then you can wash it off. So now I'll tell you the kind of result it has given me. No, I will not tell you. I'll show you something. Okay, so now I'll tell you the story behind this picture. What has happened, when I applied this mask for the very first time, normal जब मैंने face wash किया तो मुझे हल्की सी itching हुई और वो कुछ time के बाद में subside हो गई. I was okay. उसके बाद में जैसा कि इसके पैकेज पे मेंशन है कि आपको इस मास्क को वीक में दो बार यूज करना है, आई वॉज लाइक ओके. मैंने इसको फिर से लगाया, उसके बाद में अगेन मुझे इचिंग हुई और वो इचिंग इतनी ज़्यादा थी दैट आई हैड टू अप्लाई आइस. उसके बाद में वो सबसाइड हो गई. मैंने नॉर्मल अपना मॉइस्चराइजिंग या जो भी मेरा इवनिंग रूटीन होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो भी फेस मास्क होते हैं वो रात को लगाती हूँ ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट ना हो, इनकेस अगर वो रिएक्टिव हो तो मैंने उसके बाद में अपना नॉर्मल इवनिंग रूटीन किया और जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे पूरे फेस पे ये रैशेस थे. ओके, फाइन. मुझे लगा कि शायद ये मेरे स्किन पे रिएक्ट है. तो जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ट्राई करती हूँ तो ना सिर्फ मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बोलती हूँ कि आप इसे ट्राई करो. देन आई आस्क माई फैमिली मेम्बर्स टू यूज़ इट फॉर मी. उनको भी सेम टाइप का ही एक्सपीरियंस हुआ, बट क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो वो ज़्यादा इची हो गई, बट उनकी स्किन ऑयली है तो वो उतनी इची नहीं हुई, बट उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई. ये मास्क खरीदने से पहले मैंने यूट्यूब पे इतने सारे रिव्यूज़ देखे थे, मैंने नायका पे रिव्यूज़ देखे थे और सब लोगों ने इस प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा ब्लैबर किया था. किसी ने इसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बताया, सबकी स्किन अवेकनिंग हो गई, सबको इतना ज़्यादा ग्लो मिल गया. पता नहीं, हो सकता है सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, बट मुझे इस प्रोडक्ट ने ये रैशेज़ दिए तो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड इट टू एनीबॉडी. यू कैन सी कि मैंने इस प्रोडक्ट को कितना यूज़ किया है एंड नाउ आई डोंट हैव गट्स टू यूज़ दिस प्रोडक्ट. So these are my personal views. I'm not here to bash any brand. I'm not here to bash any product. या मैं किसी और को bash करने नहीं आई हूँ. These are my personal views. मुझे जो experience हुआ वो मैं आपके साथ share कर रही हूँ. If you'll ask me, I will definitely not recommend this product to anybody. Now the biggest question in my life is, जो मैंने 500 रुपये खर्च किए हैं इस product पे, मैं इस product का करूँ क्या? And also मुझे ये same experience हुआ था इनके Upton face mask से. उपटन फेस मास्क के अगर आप रिव्यूज देखेंगे, लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं. इवन द बिगेस्ट यूट्यूबर, वेल सेटल्ड यूट्यूबर, वो उपटन फेस मास्क के बारे में इतना कुछ बताते हैं, बट मैंने उसको ट्राई किया हुआ है. वो आपकी स्किन को इतना ज़्यादा डल बना देता है, डार्क बना देता है. बट उस टाइम क्योंकि मैं यूट्यूब नहीं करती थी तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, और ऑल्सो मेरी अब हिम्मत नहीं कि मैं उस प्रोडक्ट को वापस खरीदूं और आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं. तो इस वीडियो में मैंने एक तो पहली बार अपने चैनल पे मामा अर्थ को इंट्रोड्यूस किया, दूसरा मैंने इस वीडियो में आपको दो दो रिव्यूज़ दिए हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन सपोर्टिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में मामा अर्थ का बहुत ज़्यादा हाइप है. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.